नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपको रूबरू कराऊंगा शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखते हैं दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। ठगबाज जोड़ी गिरफ्तार, खेल मंत्री के पीए बनकर ठग रहे थे कईयों को। शिकायत मिलने पर पुलिस ने की दम्भेश, दोनों आरोपियों को मिला 2 दिन का पीसीआर। सोमवार को हॉकर्स उतरे रास्तों पर, मनपा को भव्य मोर्चे से सौंपा ज्ञापन। हॉकर जोन बनाओ तुरंत या जहाँ थे वही करने दो व्यापार, ताशे की रखी पुलिसों ताशे मार। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने छेड़ा अनशन आंदोलन, मांगे मनवाए बगैर आंदोलन और अनशन जारी रखने की दी चेतावनी। सिटी बस ने उड़ाया दुपहिया को, 8 वर्षीय बालक हुआ गंभीर जख्मी। घटना राजापेट चौराहे की, घटना के बाद घटनास्थल पर गुस्साए भीड़ ने किया हंगामा। याद आई रानी दुर्गावती की शहादत, विनम्र अभिवादन कर मनाया गया रानी दुर्गावती का शहादत दिवस। ये थी आज के बुलेटिन के टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। चलिए बुलेटिन की शुरुआत में देखेंगे आपराधिक घटनाएं क्राइम वॉच। शहर के राजापेट चौराहे पर एक दुपहिया सवार को सिटी बस की टक्कर बैठी। इस हादसे में उक्त दुपहिया पर सवार 8 वर्षीय बालक भी जख्मी हो गया। उसके पांव में फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टरों ने बताई। सुयोग लंगड़े नामक यह 8 वर्षीय बालक इस दुपहिया पर सवार था। घटना के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा होने से माहौल संतप्त हो गया था। राजापेट चौराहे पर बजाज शोरूम के समीप ये वाकया घटा। खुद को क्रीड़ा मंत्री के पीए बताने वाले 2 आरोपियों की जोड़ी गिरफ्तार हो चुकी है। धुलिया निवासी प्रवीण युवराज शिरसाठ, सदाशिव वाघ उर्फ मिस्त्री, यह इन दोनों जालसाजों के नाम है। दोनों आरोपी 25 तक पुलिस कस्टडी में है। खुद को क्रीड़ा मंत्री का पीए बताकर विधायकों को ठगने निकले 2 ठगबाज पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। 25 तक पुलिस कस्टडी में इन दोनों की खातिरवाही होगी। इन दोनों आरोपी धुलिया निवासी है। प्रवीण युवराज सिरसाठ और सदाशिव वाघ उर्फ मिस्त्री नामक यह 2 आरोपी व्यायामशाला के प्रस्ताव बेचने के धंधे में लगे थे। वह भी खुद को खेल मंत्री का पीए बताकर फर्जी प्रस्तावों की बिक्री यह करते थे। वह प्रस्ताव भी उनसे बरामद होने की जानकारी है। गुना रजिस्टर नंबर 157/2013, कलम 428, 471, 434, 434 भारतीय दंड विधाना अन्वये एक गुन्हा दाखल झाले। त्यातील फिर्यादी धर्मदीप चिंतामणराव गवई वय 42 वर्ष, व्यवसाय स्वीय सहायक, माननीय आमदार श्री बोंडे साहेब यांचे स्वीय सहायक आहेत, राहणार यशोदानगर गल्ली नंबर 2, श्री रामभाऊ पाटील माजी नगरसेवक यांच्या घराजवळ
अमरावती इथे राहतात, त्यांनी तक्रार दिली त्याप्रमाणे 22/7/2013-15 दरम्यान त्यांना आरोपी प्रवीण युवराज शिरसाट वय 25 वर्षे राहणार अंतुली तालुका शिरपूर जिल्हा धुळे यांनी सांगितलं की ते माननीय मंत्री महोदय श्री पद्माकर वळवी क्रीडा व कल्याण मंत्री महाराष्ट्राचे आहेत आणि त्यांनी एक प्रस्ताव दिला की त्या प्रस्तावात नवीन व्यायामशाळा बांधकामाचा प्रस्ताव येतो, त्या फॉर्मची किंमत 200 रुपये असून त्याद्वारे त्यांनी 20 प्रस्ताव श्री धर्मदीप गवई बोंडे साहेबांचे पीए यांच्याकडे दिले, त्यांना आणि त्या प्रत्येक प्रस्तावाला 400 रुपये प्रमाणे त्यांनी पैसे पण दिले आणि या हे प्रस्ताव बनावट आहे, त्या प्रत्येक फिर्याद्या 200 रुपये प्रमाणे 4000 रुपये त्यांनी घेतली आहे, फसवणूक केली याबद्दल गुन्हा दाखल झालेला असून याला जेव्हा माहिती माननीय मंत्री महोदय यांच्याकडून मला मिळाली तर मी तात्काळ 2 टीम्स पाठवल्या, त्यातले ईओडब्ल्यूचे 2 PI आणि श्री देशमुख रियाज देशमुख PI फ्रेझरपुरा यांना त्या ठिकाणी पाठवलं आणि त्यांनी तातडीनं तिथून तो इथल्या रेस्ट हाऊसवरून सटकला होता, परंतु तो श्री जगताप आमदार यांच्याकडे घरी गेला होता, त्या ठिकाणी त्याला अटक करण्यात आली. 2:00 दरम्यान मला आमदार डॉक्टर बोंडे साहेबांचा फोन आला की माननीय मंत्री महोदय पद्माकर जिवळवी यांचे प्रतिनिधी सर्किट हाऊसला आलेले आहेत आणि जे नवीन व्यायामशाळेचा प्रस्ताव संदर्भात ते आल्या तुम्ही जा आणि चर्चा करा आणि चर्चा केल्यानंतर मला सांगा. आणि मग मी सर्किट हाऊसला गेलो रूम नंबर 10 ते 2 व्यक्ती होते आणि ते नंदुरबारवरून धुळेवरून ते आले होते, प्रवीण शिरसाट आणि एक मिस्त्री म्हणून होते. आणि मग त्यांचा तो प्रस्ताव मी पाहिला, पाहिल्यानंतर त्यांना मग त्यांना विचारलं की बाबा प्रस्ताव हा काळातून आला आहे का, त्यांनी म्हटलं की पद्माकर वळवी साहेबांच्या काळातून हा प्रस्ताव आहे आणि नवीन प्रस्ताव व्यायामशाळेच्या बांधकामाचा आहे. आणि म्हणून ठीक आहे, मग ते म्हणत मग 100 प्रस्ताव मला आमदार जगताप साहेबांनी मागितले आहेत, त्यापैकी 30 प्रस्ताव मी मागितले, मग 30 प्रस्तावापैकी ते म्हणत मग 30 प्रस्ताव एका प्रस्तावाचे 200 रुपये असे लागतील. मला अशी शंका आली की कोणते शासनाचे जे काही प्रस्ताव असतील किंवा कुठली कागदपत्र लोकप्रतिनिधींना निःशुल्क मिळतात आणि मग हे प्रस्तावाचे 200 रुपये तुम्ही घेता, मला थोडी शंका आली आणि मग शंका आल्यामुळे मी साहेबांना सरांना फोन केला बोंडे साहेबांना की अशा प्रकारचं हे व्यक्ती म्हणते आहे आणि मग मला थोडी शंका आली की अशाच्या प्रकारचं हे जे 200 रुपये प्रति प्रस्ताव मागते. सरांनी सीपी साहेबांना फोन केला, वळवी साहेबांना फोन केला, माननीय मंत्री महोदय वळवी साहेबांना फोन केला आणि मग आम्ही खाली आलो. खाली आल्यानंतर माननीय आमदार जगताप साहेबांचे पी ए रोशन साहेबांची गाडी घेऊन त्यांना घ्यायला आले होते, मग ते चांदूर रोडला त्यांना घेऊन गेले. लगेचच मग 5 मिनिटाच्या फरकानी पोलीस यंत्रणा तिथे आले आणि आल्यानंतर मग त्यांनी विचारलं की बोंडे साहेबांनी पी आपण का अशाच्या प्रकारचे व्यक्ती आले का. हो, मला सध्या आताच चांदूर रेल्वे माननीय आमदार जगताप साहेबांनी आणि मग त्यांचा पाठलाग करत आम्ही चांदूर रेल्वे आणि जगताप साहेबांच्या निवासस्थानीमध्ये दोघं होते, तिथे त्यांचे पीए अभय होते आणि मग तिथून त्या लोकांनी डिस्टर्ब करून सीपी ऑफिसमध्ये काल. शहर के नागपुरी गेट परिक्षेत्र के भोरा गली में बिजली का वहन करने वाला तार अचानक टूट कर गिर गया. शॉर्ट सर्किट होकर यह बिजली के तार ऑटो पर जा गिरे, वहां कुछ बच्चे भी खेल रहे थे पर समय रहते सभी ने अपने आप को बचा लिया जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई. शहर के शंकरनगर मार्ग पर 2 वाहन आपस में टकरा गए. इंडिका कार और एक्टिवा वाहन में हुए इस टकराव के बाद दोनों वाहन चालक जुबानी जंग पर उतर आए थे. पुलिसकर्मी तत्काल पहुंचने से यह विवाद बढ़ने से टला. सोमवार की सुबह यह वाकया घटा.
सोमवार को शहर के हॉकर्स तीव्र भूमिका में रास्ते पर उतरे। मनपा शहर में हॉकर्स जोन तुरंत बनाए और हॉकर्स जोन तैयार होने तक हॉकर्स को अपने अपने जगहों पर ही व्यापार करने दिया जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा, ऐसा सवाल भी महकमे से इन हॉकरों ने पूछा है। शहर में हॉकर्स के व्यवसाय ठिकानों पर जारी कार्रवाई के बाद शहर के हॉकर्स अपने अपने व्यापार की जगह मांगते एकजुट हो गए। मोर्चे से मनपा पर दस्तक देते हॉकर्स संगठना ने मनपा से तुरंत हॉकर जोन बनाने की मांग की है। जब तक हॉकर जोन शुरू नहीं होते तब तक जहां थे वही व्यापार की अनुमति प्रदान हो, ऐसी मांग भी इन हॉकर्स ने की है।